बिस्मिल्लाह रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैप्टन उस्मान जी, एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव उन्होंने दिया है जिसकी वजह से ना सिर्फ हम शऊर पैदा कर सकते हैं लेकिन इस हिफाजती तदाबीर से इस ये जो बहुत बड़ी हमारी जंग इस वक्त इस वबा के खिलाफ चल रही है उस जंग में हम सारे शामिल हो सकते हैं। मैं पोस्ट मास्टर जनरल साहब की भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की जो कोऑपरेट करके और कोऑर्डिनेट करके बहुत ही कमिश्नर के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम सारे अदारों को मिलकर करना चाहिए। तो आपकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव कमिश्नर साहब ने लिया, आप उस इनिशिएटिव में शामिल हैं। जी बाबा, आपको पता है कि पिछले साल जनवरी में इसका शोर बहुत मचा जब ये चाइना में शुरू हुई और हमारे पास मार्च के महीने में पहुँची, और मैं कैप्टन उस्मान को दाद देना चाहती हूँ कि लोग उसकी तैयारी जो है कि फरवरी में ही शुरू कर दी थी और फरवरी में ही एक बाकायदा कंसल्टेशन मीटिंग करके बाकायदा जो प्रोटोकॉल वगैरह थे वो बनाना शुरू कर दिए पेंडेमिक के बारे में। तो हमेशा ये देखा जाता है कि जब आप अपनी तैयारी एक अच्छी करें उस तैयारी का अंदर लॉन्ग रन हमेशा फायदा होगा। आज मैं बड़े फख्र से कहती हूँ और इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी, क्योंकि कई दफ़ा कोई साइंस की बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान की कैसे की हुई है, जबकि आपके हमसाए मुल्क के अंदर आपको इंडिया में देखा आज भी मैं सुभाष बात बोली थी बड़ी तकलीफ हुई कि गंगा के दरिया में इस वक्त फ्लड आया है, वैसे जो लोग वहाँ लोग उनको उनकी जगह जलाए बगैर उनको छोटी छोटी जगहों पर दफना दिया था, वो तो सारे जो बॉडीज थी वो फ्लोट करने गंगा पेर और जो तकरीबन 600 बॉडीज अब तक वो पकड़ के और बाकायदा उनकी लेशन करके और उनको जो राइट्स होती हैं वो मुकम्मल किया। आपने वीडियोज़ देखी होगी किस तरह लोग सिसक सिसक करके ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतनी तकलीफें से लोग हो गए। मैं तो खुद उम्मीदवार करती थी इस वजह से कि इंसानियत जो है और इंसान जो है उनकी सेहत जो है सबसे अहम चीज़ होती है। वो इतना बड़ा मुल्क उसकी इतनी ज़्यादा हर तरीके से मशहूरी उनकी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, अल्लाह ने पाकिस्तान में खास मेहरबानी करी है। आज के दिन में आपकी फैकल्टी रेट 1 है, अभी पूरे पंजाब के अंदर फैकल्टी रेट 1% है। इस वक्त आज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सामने तशखीस हो के आए हैं वो 147 है, टोटल लोग जो इंतकाल किए हैं वो 7 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो 17,000 है। और ये भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि जब उस्मान मेरे साथ थे तो बड़ी मेहनत करके कहाँ हमारे पास एक BSL लैब था और कहाँ बढ़ा के इन्होंने आज हमारे पास 22 BSL लैब है, और कहाँ हमारी कैपेसिटी थी कि हम 500 टेस्ट कर सकें और अब हमारी कैपेसिटी है कि हम 25,000 टेस्ट रोजाना कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मेहनत थी जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल थे और फिर NCOC का बनना जो है वो भी बड़ी एक मुस्तक बात थी, क्योंकि सारा डेटा जो था वो कलेक्ट करते थे और नई जो हमारे सारे स्टैटिस्टिक्स को मुताबिक होते थे। अब हम कहाँ खड़े इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर पंजाब में 84 लाख से ज़्यादा लोगों को इस वक्त वैक्सीन लग चुकी है, 84 लाख। हमारे पास इस वक्त स्टॉक में 8 लाख मौजूद है। कल हम एक नई कंसाइनमेंट रिसीव कर रहे हैं इस्लामाबाद से, वैक्सीन की कोई कमी नहीं, 657 सेंटर चल रहे हैं यहाँ वैक्सीन दी जा रही है, मोबाइल सेंटर चल रहे हैं। और मैं मुदस्सर चले गए उसको दाद देना चाहती हूँ कि उसने ड्राइवर जो शुरू किया वहाँ फोकस स्टेडियम में वो फिर पूरे पाकिस्तान में आपको पता शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ। आज उस्मान ने जो इनिशिएटिव लिया है इसकी भी देखें एक पहल है। तो मैं लाहौर के शहरियों को बताना चाह रही हूँ कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हर काम जो लाहौर में शुरू होता है वो फिर
पूरा पाकिस्तान उस काम में पड़ जाता है। तो आज अगर इनकी अपील पे और मेरी अपील पे जिस तरह हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि चौथी वेव आए, और चौथी वेव ये भी बताती चली जाऊँ क्योंकि डेल्टा वेरियंट जो है, जो असल में इंडियन वेरियंट है, वो इंडियन वेरियंट जो है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बाकी जो हमारे वायरल इन्फेक्शन उनसे ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ मास्क पहन लें तो आप यकीन जानिए 80-90% लोग अपने आप को इस वजह से बचा सकते हैं। एहतियात सिर्फ ये करनी चाहिए आपको कि घर से मास्क पहन कर निकलें। कोई मास्क ना पहना हो तो उसको कहें मेरे दफ्तर में कोई आता है तो कहते हैं बेटा बाहर ठहरिए बगैर मास्क के आपके अंदर ही नहीं। अगर हर बंदा जो है ये इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे तो यकीनन लोगों का ध्यान इस तरह जाएगा। आज मीडिया की वसादत से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे यहाँ मौजूद हैं। आप यही खबर और यही बात हमने दी है। ऐसे भी मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने वबा को कंट्रोल करके सिर्फ मास्क पहन के और वबा को बहुत हद तक कंट्रोल किया, क्योंकि डेनमार्क भी एक ऐसा मुल्क है। इसलिए चौथी वबा का आपको पता है कि काम शुरू हो गया। इस वक्त चौथी वबा जो है रूस के अंदर, इस वक्त चौथी वबा जो है बांग्लादेश के अंदर, और आपको पता है अफगानिस्तान में भी इस वक्त वबा के बड़े बड़े हालात हैं। सब हमारे करीब के मुल्क हैं, हमें हर तरीके से खासी प्रदान के एहतियात करना चाहिए। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ख़ास तौर पे, मैं उन लोगों की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शमूलियत करके ये मास्क बनवा के दिए हैं। और हमारा हदफ है जो जिस तरह उस्मान ने बताया है कि हम इंशाल्लाह 1 करोड़ से ज़्यादा मास्क जो है अगले 1.5 और 2.25 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पंजाब के इंदौर के अंदर। और देखा देखिए मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर तरफ जो हमारे कमिश्नर्स बाकी डिविजन्स के हैं वो भी ये इनिशिएटिव उठाएं और इसी तरीके से इस मास्क की हम ड्राई करें। क्योंकि देखिए अगर आपकी 1% इफेक्टिविटी रेट हो गए तो काम करेंगे। एक हमने अपनी वास्तविक तदाबीर तैयार करनी है, दूसरा क्या को वैक्सीन लगवानी। तो जितनी जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह इम्यूनिटी होगी। मास्क आपने पहन के रखना है, वजह यह है कि ये वबा ख़त्म नहीं हुई। जब मैं कहती हूँ 1% इन्फेक्टिविटी रेट, उसका मतलब है इन्फेक्टिविटी अभी भी है। अगर 144 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले उसका मतलब इन्फेक्शन तो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है हम अगर इस वबा को ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान से, और इस तरह कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम ये आज धनिया कर लें और तह कर लें कि अब हमने चौथी वेव नहीं आने दी। हमने हर तरीके से वास्तविक तदाबीरें एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। और लाहौर वालों आप ये काम जो है अगर लाहौर से शुरू करेंगे यकीनन ये सारी ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी और देखा देखी दुनिया वाले देखेंगे। अभी भी आप सबकी पूरी दुनिया में तारीफ होगी, पाकिस्तानी की मैनेजमेंट के ऊपर अभी भी तारीफ होती है। अभी तक यानी हमारे हमसाये मुल्क के एक फर्द है जो बहुत मशहूर है, उन्होंने ये कमेंट पास किया कि हमसाये मुल्क ने क्या किया है, वो सुकून से बैठे हुए और हमारा हाल नहीं है। यानी भारत से उनका बड़ा मशहूर ऋषि साहब है पर्सन, उन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने क्या कमाल किया है। मेरा ख्याल कमाल इसमें यह है जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जा रही है, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके इसके ऊपर एक जिहाद कर रहे हैं, यही वजह है कि आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और फिर आखिर में मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूँगी, ये किसी मौजे से कम नहीं है कि अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, ख़ास उसकी मेहरबानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की फिगर्स आप सुनते हैं बाहर के मुल्कों में, ऐसी कोई फिगर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। इन्फेक्शन ज़रूर हुई, 93% पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए तो रिकवर करके घर गए। तो मैं आप सबको दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि ठीक गर्मी में बैठ के आपने बड़े सबर से हमारी बातें भी सुनकर और इंतजार भी किया। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान पाए ना पाए।